गुड मॉर्निंग बच्चों, यूकेजी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है शेर और खरगोश। तो बच्चों यहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं, यह एक शेर है। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। तो ये शेर एक जंगल में रहता था और रोज एक जानवर को मारकर खा लेता था। सभी जानवर परेशान थे कि ऐसे तो सभी जानवर खत्म हो जाएंगे। तो एक दिन इन लोगों ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। उसमें उन लोगों ने मीटिंग किया कि हम लोग शेर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आपके पास हम लोग रोज एक जानवर भेज दिया करेंगे। सभी जानवर शेर के पास आए और शेर से निवेदन करने लगे, महाराज आप बूढ़े हो चुके हैं, आप अपने गुफा में ही रहिएगा और हम लोग में से एक एक जानवर आपके आहार के लिए यानी भोजन के लिए आ जाया करेंगे। तो धीरे धीरे सभी जानवर एक एक करके शेर के पास आने लगे और शेर उन्हें खाने लगा। अब आई खरगोश की बारी। खरगोश बूढ़ा हो चला था। वो सोच रहा, धीरे धीरे जा रहा था और रास्ते में एक उपाय सोच लिया और उसने वो धीरे धीरे चलकर शेर के पास आया। शेर उसे देखते ही चिल्लाया, गुर्राया कि तुम इतने देर कहाँ लगा दिए थे। खरगोश ने बोला, शेर महाराज रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था, वो बोला कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उसने गुस्साया और बोला, कहाँ है वो, चलो मुझे वहाँ उसके पास ले चलो। तो खरगोश उसे लेकर एक कुएं के पास आया और बोला, महाराज वो शेर इसी कुएं में है। तो शेर उसमें झांक कर गुर्राया और देखा कि हाँ सही में इसमें एक शेर है और वो गुर्रा रहा है, लेकिन वह शेर नहीं था। ये शेर की मूर्खता थी, वो उसमें उसकी परछाई थी। वो परछाई देखकर गुस्सा हुआ और वो उस परछाई में भी दिखा कि वो दूसरा शेर चिल्ला रहा है। इतने में वो उसमें छलांग लगा दिया और उसमें वो डूब के मर गया। तो बच्चों खरगोश की सूझबूझ से सभी जानवरों की जान बच गई। बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को कठिन से कठिन काम को भी सोच समझकर करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बच्चों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी ना? धन्यवाद।